subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। हाँ हाँ, बस इद्दत के चंद दिन रह गए हैं, मैं उसके बाद मैं फौरन ज्वाइन करूंगी। खुदा हाफिज़। जॉब का इंतजाम हो गया है स्कूल में, बस इद्दत के दिन पूरे होना, फौरन ज्वाइन कर लूंगी। सर उठा के जीने के लिए यही मुनासिब होगा कि हम अपने लिए मेहनत भी खुद ही करें। शुक्र है। किससे इजाजत लेकर स्कूल में नौकरी करने का प्लान बनाया आपने? हाँ शुजात, रफाकत, भाभी इधर आए जरा। देखिए अपने बहन के करतूत, बाहर लोगों को अपने बारे में बता रही हैं और हमें सबके सामने जलील भी करा रही हैं। हम पता नहीं इन पे कितना जुल्म करते हैं। पता नहीं किस दोस्त के स्कूल में नौकरी करने का प्लान बनाया इन्होंने इद्दत के बाद। जरा पूछिए तो सही, हो क्या रहा है यहाँ? हाय, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका अपना स्कूल है। मैंने उसको जॉब के लिए कहा था तो अब इंतजाम हो गया है। आखिर मैंने इसकी फीस भी तो देनी है ना। जब मैं कह चुका हूँ तुमसे कि इस साल ये इम्तिहान नहीं देगी तो फिर तुम्हें याद क्यों नहीं रहती मेरी बात? ज़ैनब, तुम्हारी इद्दत के दिन अभी बाकी है और ऐसे में तुम्हें नौकरी का सोच लिया है, अगर तुम बाहर निकलोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर, क्या क्या सवाल उठेंगे हमारे ऊपर? भाई मैं इद्दत के बाद ज्वाइन करूंगी और मेरे पास नौकरी के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है, अगर है तो बता दे। कोई जरूरत नहीं कोई नौकरी वोकरी करने की, तुम दोनों का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। आराम से बैठ के खाना तुम दोनों माँ बेटियां। ऐसा क्या इंतजाम कर दिया भाभी आपने, मुझे भी बताइए। वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी कोई भी काम तुम दोनों की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता ना। देखो रईसा ठीक कह रही है, जो भी फैसला इन्होंने किया है वही होगा, और अगर तुमने उसकी मुखालफत की तो फिर मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं अपने ऐद पे पूरा उतरूंगा। समझी भाई? मुझे समझ नहीं आती ऐसे कैसे ये लोग हमारी जिंदगियों का फैसला कर सकते हैं। और मुमानी जान किस इंतजाम की बात कर रही थी? पहले ही वो एक फजूल सा रिश्ता लाकर हमारा सबके सामने मजाक बनवा चुकी हैं, क्या उसी बात को दोबारा दोहराना चाहती हैं? मामू जान किस बात की धमकी दे रहे थे? अच्छा आप ऐसे परेशान तो मत हो, मुझे पता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा कोई रास्ता होता तो मैं कब का निकाल चुकी होती। या अल्लाह मदद